ये आपका पार्ट टू स्टार्ट होता है, ये सीरियल से ही चल रहा है और आपको भी सीरियल से ही लिखना होगा, ठीक है। भाव लावण्य योजना, चित्र रचना का महत्वपूर्ण उद्देश्य भावाभिव्यक्ति की रसानुभूति से है और भाव लावण्य योजना का तात्पर्य बाह्य सौंदर्य का व्यंजक रूप से है, ठीक है। आकृतियों में जो सौंदर्य विद्यमान होता है वे भाव के साथ मिलकर लावण्य को जन्म देता है। चित्रकार के वे भाव जिनको वह चित्र में रूपयित करता है तथा दर्शक के हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव जो चित्र के अवलोकन से होते हैं। अगर हमने कोई चित्र बनाया, ठीक है, उसमें हमें स्माइल दिखानी है, उसकी मुस्कुराहट को दिखाना ही भाव कहलाता है। यदि हमें उसके फेस में एक दुख का भाव प्रदर्शन करना है, ठीक है, तो इसे भी हम भाव कहेंगे। इसी प्रकार से हम चित्र में भाव का अवलोकन करते हैं। आगे पढ़ेंगे, वस्तुतः दर्शक के हृदय में होने वाले भाव चित्र के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही रसोत्पत्ति का आधार है। अर्थात जब बाह्य सौंदर्य में भाव की भगिमा निहित हो जाती है, तब लावण्य पूर्ण रूप से विद्यमान हो जाता है चित्र में। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं, ठीक है। भरत मुनि ने आठ रस माने हैं और आठ स्थाई भाव माने हैं। अभिनव गुप्त ने नौ माने हैं और नौ स्थाई भाव माने हैं। नवा रस है तो वो अभिनव गुप्त के अनुसार शांत रस है, ठीक है। नाट्यशास्त्र के अनुसार विभव अनुभव से उपार्जित होकर स्थाई भाव से ही रस की रूप की उत्पत्ति प्रकट होती है, ठीक है। नाट्यशास्त्र में तीन कलर माने गए हैं, लाल, पीला और काला, ठीक है। तो ये था भाव लावण्य योजना के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत एक परिभाषा भी है जो कि भरत मुनि के अनुसार है। भरत मुनि ने भाव की व्याख्या करते हुए कहा है कि भाव वह है जो उसी प्रकार व्यक्त हो जाए जिस प्रकार गंध या रस किसी वस्तु में व्यक्त हो जाती है, ठीक है। तो ये भरत मुनि के अनुसार है, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। आगे हम लोग पढ़ेंगे सादृश्य का तात्पर्य है देखे हुए रूपों में समानता प्रकट करना। इसी के अंतर्गत सादृश्य का अर्थ कि वस्तु जैसी प्रतीत होती है अथवा मनुष्य को जैसी दिखाई देती है, वही चित्रकला का कार्य सादृश्य की रचना है। एक व्यक्ति का फोटो इस प्रकार वस्तु की अनुकृति है जो दृश्याकृति का ज्ञान कराती है। जैसे कि मान लीजिए आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, आपको सेम वैसा ही बनाना है उसमें। यदि आप उसमें उसकी आँखों में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसकी लिप्स में परिवर्तन कर देते हैं तो वह आकृति वैसी नहीं नज़र आएगी। जो आपका पोर्ट्रेट है वो वैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जो चीज़ जैसी दिख रही है उसका वैसा ही अंकन करना सादृश्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि मुखाकृति अंडाकार, जो आपका फेस है वो अंडाकार, ललाट धनुषाकार, भौंएं जो हैं वो नीम के पत्ते के समान, ठीक है, नीम की जैसी पत्तियां होती हैं, ठीक है, ऊपर से सीधी जाती फिर नीचे आ जाती हैं, उसी प्रकार जो भौंएं हैं वो नीम के पत्ते के समान है। तथा स्त्रियों की धनुषाकार है, गोलाई लिए हुए हैं, ठीक है। और जो चिबुक है वो आम की गुठली के समान, ठीक है, चिनाब की। आँखें कमल की पंखुड़ी के समान आदि।
जो अभी आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारी सहेलियाँ आएंगी, सेकेंड ईयर में ही आ जाएंगी आपकी सहेलियाँ, तो उसमें जो आपकी आईज, नोज, लिप्स सब सहेलियों में अलग अलग टाइप से बताई गई है। किस कोई जो आपकी किशनगढ़ सहेली है उसमें अलग टाइप से आईज बताई गई है, और जो आपकी जोधपुर सहेली है उसमें अलग टाइप से बताई गई। तो हर सहेलियों में अलग अलग टाइप से भाव प्रदर्शन किए गए हैं। आगे पढ़ेंगे वाणिका भंग, वर्ण वर्ण मिस कलर, ठीक है। वर्ण चित्र का प्राण है, चित्र का अर्थ है रंग बिरंगा, चित्र का वह अंग जो सबसे पहले दर्शक के ध्यान को आकर्षित करता है। सबसे पहले आप कोई भी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले आपको उसका रंग नजर आता है, बाद में वो वस्तु नजर आती है। रंग के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है, अर्थात वह वर्ण ही है जो वाणिका का अर्थ रंग रोगन शाही से भी है, अतः दूसरा अर्थ रंग भरने का यंत्र यानी कि आपकी ब्रश और कलम। अतः षडांग के संदर्भ में वाणिका का अर्थ वर्ण तथा उसका उचित प्रयोग माना जाता है। जो आपकी कूची है यानी कि ब्रश, उसको वर्तिका और वर्तनी भी कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत भंग का अर्थ, भंग यानी कि भगिमा। विद्वानों ने भगिमा का अर्थ देवों की खड़े होने की मुद्रा से बताया। इसको चार भागों में बांटा है विद्वानों ने। पहला है आपका संभंग, दूसरा है आपका अभंग, तीसरा है आपका अतिभंग और चौथा है आपका त्रिभंग। अब हम लोग संभंग के बारे में जानेंगे कि संभंग का अर्थ क्या है। सीधी खड़ी हुई मानवाकृतियाँ जिसमें दोनों पैर बराबर से हों तो उसे हम संभंग कहेंगे, ठीक। आप यदि सीधे खड़े हैं और दोनों पैर बराबर से हैं तो उसे हम संभंग कहेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका अभंग। सीधी खड़ी हुई मानवाकृति में यदि एक पैर का भार अधिक हो जाता है तो इसे हम अभंग कहेंगे, ठीक है। अब है आपका अतिभंग। यदि सीधी खड़ी हुई आकृति में तीन मोड़ आ जाते हैं तो उसे हम अतिभंग कहेंगे, जैसे कि कृष्ण बंसी बजाते हुए तीन साइड से मुड़ जाने को हम अतिभंग कहेंगे। अब है आपका त्रिभंग, ठीक है। सीधी खड़ी हुई आकृति यदि तीन साइड से मुड़ जाती है तो हम इसे त्रिभंग कहेंगे, जैसे कि कृष्ण बंसी बजाते हुए, ठीक है। लास्ट है आपका अतिभंग। यदि आकृति में अधिक झुकाव आ जाए तो उसे हम अतिभंग कहेंगे, जैसे कि शिव तांडव नृत्य प्रतिमा, ठीक है। तो ये पूरे भगिमाएँ थी, ठीक है, जो कि चार प्रकार से विद्वानों ने दी गई है, विद्वानों के द्वारा दी गई है, जो कि मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला मानव आकृति प्रधान होने के कारण इसमें अंग भंग का बहुत महत्व है। चित्र रचना के विधान में मानवदेह की रचना तथा भाव भी कल्पना भारतीय कला मानव आकृति प्रधान होने के कारण, यानी कि जो इंडियन आर्ट है वो मानव की आकृति प्रधान है, ठीक है, उसमें मानव की आकृतियां प्रधान है और इसी कारण उसमें अभंग और भंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चित्र रचना के विधान में मानव देह की रचना तथा भाव भी कल्पना है। मानव की आकृति में भावाभिव्यंजना के माध्यम से नेत्र, नाशिका तथा ओष्ठ
हस्त मुद्रा, पैरों की मुद्रा एवं देह भाग ही हैं, जिनके द्वारा ये पता चलता है कि मनुष्य किस भगिमा में खड़ा हुआ है और उसकी कौन सी मुद्रा है। तो इसी के माध्यम से हमें पता चलता है मनुष्य की देह आकृति के द्वारा। तो ये आपका लास्ट था, ये आपका आखिरी कला के अंग का भाग था, ये आपका लास्ट था, और यहाँ से आपका षडांग संबंधित चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका रेखा है, तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।